राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट कल महिपाल मदेवड़ा से मिले। महिपाल मदेवड़ा से उनकी मुलाकात जोधपुर के अंदर हुई। पायलट कल जोधपुर गए थे, उन्होंने वहां पर मीडिया से ही बात की और वहां के जो स्थानीय नेता है उनसे भी मुलाकात की। सबसे बड़ी मुलाकात महिपाल मदेवड़ा से रही। आपको बता दें महिपाल मदेवड़ा भर्री मामले को लेकर कई सालों से जेल में बंद है। हाल ही में उनको एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई। वो अपने घर पे आए तो पायलट ने उनसे मुलाकात की, उनसे शिष्टाचार भेंट करके उनके हालचाल पूछे। पायलट और मदेवड़ा की मुलाकात काफी सियासी गर्मी ला रही है। आपको बता दें महिपाल मदेवड़ा के पिता परसराम मदेवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता हुआ होते हैं। उनके जमाने के अंदर जो राजनीति हुआ करती थी वो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। जाट लीडरशिप के काफ़ी बड़े वो नेता माने जाते रहे। उसके बाद महिपाल मदेवड़ा उनके पुत्र विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन भव्य वाले मामले में उनका नाम आया और वो जेल में चले गए। हाल ही अभी वो जेल में सजा काट रहे हैं। पायलट ने जोधपुर दौरे के अंदर वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की, सर्किट हाउस में अन्य नेताओं से भी मिले और ये संकेत भी दिए कि कुछ वो बदलाव कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत भी उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों की जहाँ तक बात है वो दिसंबर में हो जाएगी, इसकी पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। PCC के पदाधिकारी और जो प्रभावी मंत्री और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार जिलों के अंदर जाके लिस्ट बना रहे हैं और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। कुल मिला के पायलट और मदेवड़ा की मुलाकात में कई सियासी हलचल तेज भी हुई, कई जगह चर्चा का बजा भी गर्म हुआ कि आखिर इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ। खैर राजनीति है, राजनीति के अंदर मुलाकात मेल मुलाकात चलती रहती है, नेताओं से आपस में सब चर्चा। वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो सचिन पायलट उनसे मिले, इस मुलाकात कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुल मिला के जो मुलाकात हुई है वो शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। अब देखना है आने वाले दिनों के अंदर इस मुलाकात से राजनीतिक संदेश तो कई तरह के गए हैं, क्या असर रहेगा वो आने वाले टाइम में पता चल पाएगा। पायलट का ये दौरा कई सियासी संदेश भी देके गया है। अब देखना है किस तरह से आने वाली सियासत बनती है। पत्रिका के लिए राहुल जैन। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान पत्रिका के इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।